बेटा मेरे घर के अंदर चोरी करे और मेरे घर मेरी बच्ची को इतना मारे। चर्सी लोग को लेकर आई थी अमृत नगर की चर्सी औरतें इसके साथ में थी, वीडियो में साफ दिख रही है। आदाब, मैं अब्दुल हमीद साहिल, आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। घर पे कब्जे के विवाद को लेकर आज औरतों के दो गुट में काफ़ी मारपीट हुई, काफ़ी हंगामा मचा और मुमरा पुलिस को जाकर दरमियान में दखल देना पड़ा और दोनों ही ग्रुप के लोगों को लेकर मुमरा पुलिस स्टेशन साथ ले गई। बता दें कि वाकया है एमएम वैली के ग्रीन पार्क के फर्स्ट फ्लोर पर एक मकान है, उसके विवाद का। फरजाना हेल्डे नामी जो औरत है उनके नाम पर यह मकान अलॉट है और बिल्किस सिलाट नामी औरत ने उनसे हैवी डिपॉजिट पर यह घर लिया था। उन्होंने बताया कि 9 लाख रुपए में बात हुई थी लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 लाख रुपए पहले उनको एडवांस मांगे। उन्होंने कहा कि घर में कुछ काम बाकी है, यानी फरजाना का घर था और फरजाने का ये घर में कुछ काम कराना बाकी है, घर की हालत बहुत ख़राब है, आप मुझे 2 लाख रुपये एडवांस दे दीजिए या टोकन के नाम पर दे दीजिए तो मैं ऐसा घर का काम करा के आपके हवाले करती हूँ। इस पर बिल्किस ने, जो बिल्किस का कहना है, उनका बयान हम अभी आपको दिखाएंगे, उन्होंने 2 लाख रुपये फरजाना हेल्डे को दिए और जिस वक्त उन्हें घर पहुँच जाना था उसके 2-3 दिन पहले जब घर देखने गई तो उन्होंने बताया घर का कुछ काम नहीं हुआ था, बस यहीं से विवाद शुरू हुआ। काफ़ी कहा सुनी के बाद ये बिल्किस का कहना है कि उन्होंने 5 लाख रुपए उन्हें और दिए लेकिन घर का काम सही से ना होने हो पाने की वजह से इन दोनों में विवाद चलता रहा और बिल्किस मारे हैं लगी। अब इस पर काफ़ी हंगामा मचा, काफ़ी विवाद मचा। ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है फरजाने की तरफ से कि बिल्किस इस तरह से कब्ज़ा करके कई घर अपने नाम पे कर लिए हैं, यानी 7 से 8 घरों पर उसने कब्ज़ा कर रखा है, वहाँ ना रहते हुए अब इस घर पे कब्ज़ा जमाने की कोशिश कर रही है। जबकि बिल्किस का ये कहना है कि घर का काम सही नहीं हुआ, मैंने घर हैवी डिपॉजिट पे लिया है, मैंने कब्ज़ा नहीं किया है और यानी डिपॉजिट की रकम देने के बावजूद भी घर का काम सही नहीं, घर में कई समस्याएँ, पानी की पाइपलाइन भी सही नहीं है जिसको लेकर आए दिन उनके बीच मारपीट की नौबत भी आती रही है। बिल्किस का ये भी कहना है कि कई बार फरजाना और उनके घर वाले घर खाली कराने के लिए वहाँ पर गए और इसको लेकर उन दोनों के बीच, दोनों घर वालों के बीच मारपीट भी हुई और फरजाना ने कई बार वहाँ ताला भी लगा दिया। आज फिर इसी मामले को लेकर फरजाना और उनके घर वाले वहाँ पहुँचे और घर को खाली कराने की कोशिश की, जिस पर काफ़ी हंगामा मच गया और दोनों ही फैमिली के दरमियान, बिल्किस की फैमिली के दरमियान और फरजाना के हेल्डे के घर के दरमियान खूब मारपीट हुई, जबर जम कर लोग घायल भी हो गए दोनों तरफ से। मुमरा पुलिस वहाँ पहुँची और उसने दोनों ही लोगों को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आने की कोशिश की और पुलिस स्टेशन लेके भी गई। वहाँ क्या मामला हुआ तो हम बाद में आपको बताएंगे। बहरहाल क्या विवाद है, क्या तनाज़ा है, हम पहले फरजाना की बातचीत आप तक आपको दिखाते हैं, उसके बाद बिल्किस ने क्या कहा है वो भी हम आप तक, वो खबरें भी आप तक पहुँचाएँगे, वो वीडियो भी आपको सामने पेश करेंगे। हाँ, एक बात और है कि बिल्किस और फरजाना के दोनों ही लोगों ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जो बयानात दिए हैं और जिन पुलिस वालों का नाम लिया है या कुछ व्यक्तियों का नाम लिया है, ऐलान टाइम्स इसकी कोई पुष्टि नहीं करता। हम आपके सामने दोनों ही पक्ष के, यानी बिल्किस और फरजाना हेल्डे, दोनों की बातें आपके सामने रख रहे हैं कि दोनों का इस बारे में क्या कहना है। देखते रहें इस तरह की खबरों के लिए हमारा चैनल ऐलान टाइम्स, क्योंकि हम आप तक खबरें नहीं बल्कि सच पहुँचाते हैं। खुला के दिए, बाद में फिर इन लोग ने क्या करे, नावले साहब ने उन लोग ने रात में चाबी दे दी, फिर रात में सामान चढ़ा दिया। बड़े का हाथ है, बार बार हमारे रिपोर्टर है, सब सबूत है, इतने सारे मैंने नोटिस, इतने कब्जा किसने किया? घर किसके नाम पे, किसके नाम झूठा केस डालूंगी बोलती हूँ, का केस डाल दिया हम लोग के ऊपर। अभी कब्जा किसने किया? बिल्किस नाम की औरत है, उसकी 8 घर है, इसके चना गार्डन में भी इसका घर है, अपने घर पे ताला मार के हमारे घर में घुसी है, पूरा सामान है घर में। नहीं, ये मामला कोर्ट में भी था ना आप लोगों का? ये मामला हमारा कोर्ट में भी था ना, तो कोर्ट का डिसीजन क्या था? ट्रेसपास ओनर पे ट्रेसपास कभी नहीं होता, बट पुलिस ने ओनर पे ट्रेसपास खाली नहीं कर लिया।
अभी बात ये आती है कि दो सालों में घर से निकलने का नाम नहीं लेती, चार ताले मार के रहती है, पूरी बिल्डिंग वाले से पूछो छुपके आती है छुपके जाती है, बट घर खाली करने तैयार ही नहीं। मैंने अभी ट्विटर पे भी डाली, साहब लोग को सबको भेजी, चार ताले मार के। मैसेज आया कि हम लोग मुमरा चौकी में फोन करके आपकी शिकायत की मांग करेंगे, क्यों ऐसा हो रहा है मुमरा में घर खाली, मतलब घर पे कोई भी आके कब्जा कर लेगा रातों रात ताला खुला के, एग्रीमेंट नहीं है। सीनियर साहब को पूरी वीडियो भेजी, एग्रीमेंट कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मेरी कोई सुनते नहीं है, हमारा के पास एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट हमारे पास है। बार बार बोलती मेरे सर पे बड़े का हाथ है, सर पे बड़े का हाथ नहीं कर मुमरा का पूरा सामान है, हम लोग हाथ छोड़ के पहुंचे, जो भी जिसके भी सर पे इसका हाथ है ना, प्लीज ऐसी औरतों के ऊपर से अपना हाथ हटा दो। हम घर में जुलूम जुलूम मत करो, मुमरा में, मुमरा में ये सब चलेगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? करने दो। कितने बजे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम बिल्किस सिलाड़। अच्छा, ये पूरा मामला जो आज यहाँ पर विवाद हुआ है, दरअसल उनका कहना है कि ये घर उनका है, मेरा है, आप लोगों ने रेंट पर मेरा घर रेंट पे लिया, मैंने हैवी पर लियू, रेंट पर नहीं लियू, हैवी पर ये घर लियू। तो क्या आखिर विवाद की वजह क्या है? विवाद की वजह ये है कि मैंने उसको ना हैवी पर ली ना, तो मैंने उसको 2 लाख रुपए स्टार्ट में दी थी आने के पहले, 2000 रुपए टोकन दी थी मैंने पहले दिन घर देख के, तो उसने क्या बोली 2000 रुपए दो, ये 2 लाख रुपए दो मेरे को घर का सब काम कराने का, ये जाली बदली करने की है, पत्रे लगाने के, वो किचन में काम है सब काम का बोली, तो मैंने क्या बोली 2 लाख रुपए मैं आपको ऐसे नहीं दे सकती, पेपर करके दूंगी। तो बोली मेरे को टोकन पेपर पे दो, मैंने यहाँ पर 2 लाख का टोकन नहीं होता, तो ऐसे पेपर बनाई रजिस्टर नोटरी पेपर बना के इसको 2 लाख रुपए दी। फिर मैं 10 तारीख को, मैंने 23 फैब को इसको पैसे दी हूँ, 10 मार्च की मेरी आने की तारीख थी, मैं 6 मार्च को आई ना, तो इन्होंने कुछ भी नहीं करवाए थे, कलर तक नहीं करवाए थे, तो मैंने इनको क्या बोले आपने कुछ भी काम आप कराए नहीं, हाँ, और मैंने आपको 2 लाख रुपए भी दे चुकी, तो बोले आगे के तुम सब पैसे देंगे ना तब मैं कराऊंगी, तो मैंने आप ताबा देंगे ना तब दूसरे पैसे अब मैं दूंगी, मेरी गलती है क्या? 2 लाख रुपए कम होते है क्या स्टार्ट में? अभी अभी आप लोग इनको मैंने ना 12 तारीख को मैंने ताबा लिए, मेरे पास है ना फुटेज है जो मैं कोर्ट में पेश करूंगी। किस साल में? 2000 लास्ट टू लास्ट ईयर, लास्ट ईयर 2020 में 20 मार्च को, 12 मार्च को मैं इस घर में मैंने ताबा ली, तो इन्होंने क्या किया ना ये लॉक की चाबी ना, एक बोले मेरे पास रहने तो मैं काम कराऊंगी, काम 6 तारीख तक नहीं हुआ था तो 12 तक तो नहीं होने वाला था, टाकी भी पानी की नहीं धुली हुई थी जब मैं आई ना, मेरी हमारा घर सना गार्डन में टीएमसी में ग्राउंड फ्लोर में है 2-3 बिल्किस आपका उनका कहना है कि आप जो है उनके घर पे, आपको जो बोले आपको सुन लीजिए, मेरा घर है ना सना गार्डन में ग्राउंड फ्लोर पर है, टीएमसी में रहते हैं, बोलती है वो घर पे भी कब्जा करे, वो बोलते हैं, हाँ वो बोलते हैं वो घर पे भी कब्जा करी हूँ, मेरे और भी बहुत सारे घर है सब कब्जा करी हूँ मैंने, उनका ये बोलना है, सब घर पे कब्जा करी, तो यही घर पे रह रही हूँ मैं, हाँ ऐसे जले हुए घर में रह रही हूँ मैं, हाँ मैंने ना फिर इनको क्या बोली कि आप पानी की टाकी का नहीं करके दिया, उन्होंने नहीं करके, मैं बोली आपा मेरे से कैसे रहूंगी, एक चाबी भी है ना, क्या हुआ कौन कौन कर दी मेरे को शिकंजा मारी, इसीलिए मैं ऊपर नहीं आती थी, तुम्हारे को देखो इनको भी देखो मारे। बिल्किस आपा ये बताइए आपने उनको टोटल कितने पैसे दिए? आप वो सब मत कीजिए, मुझे चौकी जाना आज का, आप देखिए पहले क्या है, मैंने ना उसके बाद ना उनको 3 लाख रुपए और आरटीजीएस करी, मेरे को उन्होंने बोले काम कराना, एक चाबी उन्होंने लॉक की रखे इसमें किसी का भी ताला नहीं था, एक बोले मैं रखती एक तुम रखना मेरे को काम कराने का है, फिर उसके बाद में ना इन्होंने 15-16 तक भी टाकी का काम पीने का एक भी चलो 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 चलो
चलो पुलिस हम लोगों के बिना नोस्पीस की फोटो निकाली है। फोटो ऐसा नोस्पीस आई दोनों ताले मेरा वीडियो बनाई है उसने नोस्पीस खींच खींच के, जो कि मेरा ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है और मैंने कोई कब्जा भी नहीं करा। इन लोगों ने मेरा वीडियो बनाया और फेसबुक पे लाइव डाले और मैं इन लोगों के नाम का भी केस करूंगी। बेटी को बुलाओ ना सर, तवीरा को बुला ले और देखो कैसे मारे इन लोगों को। देखो थोड़ा जानकारी, देखो जानकारी मुझे नहीं मालूम, इन लोगों से पूछा। देखो कैसा मारी है, डंडे से मारी है बाहर से वो लड़की। मुंह देखा क्या? ये उनका कहना है कि ये घर उनका है और आप लोगों ने कब्जा किया है, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं। कुछ भी नहीं है, डिपॉजिट पे लिए थे। अच्छा, दे रही है। आप लोगों ने कितना दिया? आप लोग है ना उनसे